नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। लोकतंत्र आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। आज प्रधानमंत्री बुलंदशहर में पहुंचे हुए थे, जनसभा को भी उन्होंने संबोधित किया, 2024 के चुनाव प्रचार का श्री गणेश कर दिया। लेकिन बुलंदशहर को ही क्यों चुना गया, सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार का शंखनाद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलंदशहर के चोला में 19,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने बुलंदशहर में 2 स्टेशनों से मालगाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर यानी DFC पर न्यू खुर्जा न्यू रेवाड़ी के बीच 173 किलोमीटर लंबी डबल लाइन विद्युतीकरण खंड का शुभारंभ किया। इस दौरान पीएम मोदी ने यूपी में हो रहे विकास कार्य गिनाए। हमारी सरकार के 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग, यह आंकड़ा बहुत बड़ा है, 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। जो बाकी बचे हैं उन्हें भी उम्मीद जगी है कि वे भी जल्द ही गरीबी को परास्त कर देंगे। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने बुलंदशहर में कल्याण सिंह को याद किया। उन्होंने कहा कि अयोध्या को देखकर कल्याण सिंह प्रसन्न होंगे। मेरे लिए तो आप ही मेरा परिवार है। आपका सपना ही मेरा संकल्प है, इसलिए आप जैसे देश के सामान्य परिवार जब सशक्त होंगे तो यही मोदी की पूंजी होगी। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले लंबे समय तक यहां सरकार चलाने वालों ने शासकों की तरह बर्ताव किया, जनता को अभाव में रखने और समाज में बंटवारे का रास्ता उनके लिए सत्ता पाने का सबसे सरल माध्यम था। इसकी कीमत उत्तर प्रदेश की अनेक पीढ़ियों ने भुगती है, लेकिन साथ साथ देश को भी इसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आज मैं देख रहा था, कुछ मीडिया वाले चला रहे थे कि आज बुलंदशहर में मोदी चुनाव का बिगुल फूकेंगे। मोदी तो विकास का बिगल फूंकता रहता है। मोदी को न पहले जरूरत थी, न आज जरूरत है, न आगे जरूरत है चुनाव के बिगल फूंकने की। मोदी के लिए तो ये जनता जनार्दन बिगल फूंकती रहती है। वहीं इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि सरकारी योजनाओं का बिना भेदभाव लाभ दिया जा रहा है, विकसित भारत का संकल्प आगे बढ़ाना है। हमारे पास पीएम मोदी जैसा नेतृत्व है, इस बार 2019 से भी ज्यादा बहुमत की सरकार बनेगी, फिर एक बार मोदी सरकार। हमें विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने में प्राणपण से जुटना है और इसी संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए ये जनता जनार्दन आज आपका मार्गदर्शन प्राप्त कर रही है। ये जनता जनार्दन आपके साथ फिर से खड़ी होकर के फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार के संकल्प के साथ फिर से सरकार बनेगी। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर आपका फिर से बुलंदशहर की इस धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं। बुलंदशहर जाट और गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र है और साथ ही कल्याण सिंह का गढ़ रहा है। वहीं बुलंदशहर से 2024 का चुनावी बिगुल फूंकने के पीछे का सबसे बड़ा कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बुलंदशहर का लकी होना माना जा रहा है। 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी ने बुलंदशहर से चुनावी शंखनाद किया था तो वो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने बड़ी जीत दर्ज की और नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने।
इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के चुनाव प्रचार का आगाज मेरठ से किया गया था और उस समय भाजपा पश्चिमी यूपी की 14 सीटों से 7 सीटें हार गई थी। इसी गणित को देखते हुए भाजपा 2019 की गलती को दोहराना नहीं चाहती है। शायद इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलंदशहर से लोकसभा चुनाव 2025 का शंखनाद किया है। ब्यूरो रिपोर्ट APN। तो लोकसभा चुनाव का शंखनाद बीजेपी ने बुलंदशहर से बुलंद आवाज में किया और इसी को लेकर करेंगे हम चर्चा। कई विशेष अतिथि पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक राजलक्ष्मी जोशी जी जुड़ गई हैं, बहुत स्वागत है आपका राजलक्ष्मी जी। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता अनीता अग्रवाल जी भी जुड़ चुकी हैं, आपका भी स्वागत। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता प्रदीप सिंह जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत। और अब से कुछ ही देर बाद हमारे साथ सपा के प्रवक्ता तारिक खान भी इस चर्चा में शामिल होंगे। सबसे पहला सवाल मेरा राजलक्ष्मी जी आपसे ही है। 2014 में जब मोदी ने बुलंदशहर से चुनावी रैली का श्री गणेश किया था, तब बीजेपी ने यूपी में 80 में से 71 सीटें जीती थी, जबकि 2019 में संख्या घटकर 62 रह गई थी। क्या एक बार फिर इतिहास दोहराना चाहती है बीजेपी, इसलिए एक बार फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी शंखनाद के लिए चुना है? जी बिल्कुल, हो सकता है। उसमें ऐसा है कि उन्होंने दो कार्य एक साथ कर दिए हैं। जैसे आपने कहा कि इलेक्शन का ब्यूगल भी उन्होंने बजा दिया, शायद हालांकि उन्होंने मना किया कि ऐसा तो मैंने कुछ किया नहीं, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने वो जो डायरेक्ट ट्रेड कॉरिडोर, ये भी एक इनॉग्रेशन उन्होंने किया है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा ट्रैफिक कंजेशन जो है, खास करके आपके दिल्ली NCR रीजन में, जो आज मतलब आपको तो पता है कि पोल्यूशन वगैरह का बहुत ही बड़ा समस्या है दिल्ली NCR में, तो उसका जो डीकंजेशन है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये DSP। तो ये जो है इसका इनॉग्रेशन, और उसमें साथ साथ में उन्होंने ये भी एक शंखनाद कर दिया है। तो ये जो है उत्तर प्रदेश में, देखिए उनका बहुत ही जैसे आप गढ़ कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन फिर भी उनके कुछ सीट कम पड़ गए 2014 से के कंपैरिजन में, थोड़ा सा कम पड़ गया उनको 2019 में। तो इस बार जो है उनको उनके मन में है कि कोई एक भी सीट उनको कम नहीं पड़े, तो इसीलिए उस दृष्टि से उन्होंने जो स्ट्रेटेजी वगैरह किया हुआ है, तो उस हिसाब से उन्होंने इस बार उधर बहुत ज्यादा विस्तारक वगैरह भी लगा दिए हैं मंत्रियों को, MPs को, राज्यसभा MPs को, सब मतलब जैसे आपको भी पता है कि कोई एक बायपोल भी होगा तो भारतीय जनता पार्टी उसको आराम से नहीं लेती, बहुत ही सीरियसली ले लेते हैं सब। तो इस बार तो आप सोचिए कि लिए तो लोकसभा का है, और उसमें और एक बात यह है कि दो टर्म हो चुके हैं बहुत ज्यादा MPs की, तो इसमें ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि वो कुछ MPs को मतलब, और बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार तीसरी बार वो जीत की हैट्रिक लगाएगी। और योगी तो आज मंच से यही पुकार रहे थे कि तीसरी बार भी मोदी सरकार। बहरहाल हमारे साथ तारिक खान भी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है तारिक खान जी आपका। तारिक खान जी, अयोध्या राम मंदिर उद्घाटन के बाद अब यूपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ रैली होगी, मिशन 80 का पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है। हालांकि आपने तो बड़ी तत्परता दिखाई, लखनऊ में प्रत्याशी के नाम का ऐलान भी कर दिया, RLD के साथ सीटों पर समझौता भी हो गया, लेकिन कांग्रेस को भी सीटें देंगे या सिर्फ आश्वासन देकर पेट भर देंगे? कांग्रेस के साथ बात चल रही है और हमने तो सब चीज बहुत जल्दी किया है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ बात फाइनलाइज हो जाएगी बहुत जल्दी, मुझे ये उम्मीद है। और चुनाव आ रहा है तो कहां जाकर प्रचार करें, विदेश में? मोदी अगर उत्तर प्रदेश में प्रचार कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कोई नई बात है या इसमें कोई अजीब बात है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, साथ ही साथ प्रधानमंत्री भी, मुझे लगता है तो उनको अधिकार है प्रचार करने का। हम तो लगातार प्रचार कर रहे हैं, वो भी प्रचार करें। जब
चुनाव भारत में होना है तो कहीं और जाके तो प्रचार करेंगे। बिल्कुल सही बात है। और उनका तो उत्तर प्रदेश में संसदीय क्षेत्र भी है वाराणसी। आज वो बुलंदशहर पहुंचे, कल काशी भी, जल्द ही काशी भी पहुंचेंगे। लेकिन ये तो बताइए ना कि गठबंधन के साथियों के गठबंधन में तो लगातार गांठें पड़ती जा रही हैं, वो तो गांठें ही सुलझने का नाम नहीं ले रही हैं। सवाल मेरा यहाँ पर प्रदीप सिंह जी आपसे है, टीएमसी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि वो आपको सीट नहीं दे रही, अकेले चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी पंजाब में सभी 13 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आपके गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार कल सार्वजनिक तौर पर कह रहे थे कि कर्पूरी ठाकुर को कांग्रेस ने भारत रत्न नहीं दिया, प्रधानमंत्री की तारीफ में वो कसीदे पढ़ रहे थे। तो बिहार में भी दाल गलनी मुश्किल लग रही है। गठबंधन लोकसभा चुनावों में सीटों को लेकर हुआ था, अब आपको सीट देने के लिए आपके साथी तैयार नहीं है, कुछ मुकर रहे हैं, जो देंगे वो भी अपनी शर्तों पर देंगे। क्या इनके खिलाफ भी कोई यात्रा आप निकालेंगे? आप निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश के अंदर 80 की 80 सीटों पे चुनाव लड़ने जा रहा नंबर एक बात। नंबर दो बात, भारतीय जनता पार्टी। लेकिन आपको कितनी सीटें देंगे सर? सबसे बड़ी बात तो ये है, आपको क्यों नहीं दी, आरएलडी को दे दी? सवाल क्या भारतीय जनता एनडीए गठबंधन ने अपनी सीटों का ऐलान कर दिया क्या? अगर एनडीए गठबंधन ने अपनी सीटों का ऐलान नहीं किया है तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में तो दर मरोड़ क्यों होने लगता है कि इंडिया गठबंधन में सीट नहीं मिल रही है, ये बातें हो रही है। प्रधानमंत्री जी को बता रहा सर, कोई आपसे सवाल पूछता नहीं ना। अगर उत्तर प्रदेश में सपा ने आरएलडी को सीटें दे दी हैं, आपको नहीं दी हैं, तो सवाल तो पूछा जाएगा ना सर कि लखनऊ में प्रत्याशी भी उन्होंने घोषित कर दिया कि कौन चुनावी मैदान में होगा। तो कांग्रेस के साथ सीटें देने में समस्या कहाँ आ रही है? कांग्रेस के साथ क्यों अभी तक समझौता नहीं हो पाया है सीटों को लेकर? निश्चित तौर पर आप ये मानिए कि हमारे 30 गठबंधन नेता बैठकर आपस में बात कर रहे हैं। जैसे ही चीजें क्लियर होंगी सबसे पहले चैनल आप होंगे जिसको ये सूचना दी जाएगी। बात हो रही देश के प्रधानमंत्री की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सभा की, तो देश के प्रधानमंत्री हो या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, ये रैलियों के अलावा कोई काम भी करते हैं क्या? आप ये बताइए, विकास के मुद्दों पर बात कर रहे हैं, 2016 में आकर इसी उत्तर प्रदेश में। चलिए ठीक है, वो रैलियां कर रहे हैं, चुनाव का समय है और उसका फायदा भी उनको मिला। आपने देखा कि हाल ही में जो 5 राज्यों में चुनाव हुए उसमें से 3 राज्यों में सत्ता पर आई ना, सत्ता पाई, लेकिन आपने क्या किया? ठीक है, अच्छा ठीक है सर, आप एक काम करिए, आप कंप्लीट करिए, आप कंप्लीट कर लीजिए। हम ये कह रहे हैं कि 2016 में देश के प्रधानमंत्री आए थे और उन्होंने साफ साफ कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे। क्या हुआ? किसानों की औसत आय 27 रुपए प्रतिदिन है। और आप बताइए, और कर्जा कितना है? कर्जा उन्होंने दुगना कर दिया, 74,000 करोड़ रुपए कर्जा कर दिया उन्होंने, प्रति किसान 74,000 करोड़ रुपए कर्जा कर दिया। और जब आप बात करते हैं, देश ने सोचा था प्रधानमंत्री आएंगे, बुलेट ट्रेन आएगी, लेकिन बुलेट ट्रेन हम ढूंढ रहे हैं, क्या बुलेट ट्रेन कहाँ से चल रही है और कहाँ जा रही है? अरे तो सर, आप लोग सत्ता में आ जाइए ना, दिक्कत क्या है? आप लोग ऐसी तैयारी करिए ना, सत्ता में आ जाइए। लेकिन आप लोगों की तो राह ही जुदा जुदा नजर आ रही हैं। ठीक है, मैं जवाब लेना चाहूंगी इस पर। अनीता अग्रवाल जी, कानून व्यवस्था पर बात आप करते हैं, आप जितने बेरोजगार नौजवान हैं हक पक्ष से हैं। सर दोबारा भी नंबर आएगा आपका, आएगा दोबारा नंबर प्रदीप सिंह जी, मौका मिलेगा आपको फिर से बोलने दीजिए उनको भी। अनीता अग्रवाल जी, देखिए हमारे प्रदीप भाई तो बहुत ज्यादा, इन लोग का काम है आरोप लगाना, क्या काम हो रहा है इसको नहीं देखना है कि काम क्या कर रहे हैं। आप देखिए देश का विकास कितना आगे हुआ है, गरीबी रेखा से कितने लोग पार हुए हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जैसे आवास सबको मिल रहे हैं, बिजली सबको मिल रही है, आयुष्मान सबको मिल रहा है, आज स्वास्थ्य की और शिक्षा की सारी स्कूल अच्छे हो गए हैं, सब जगह मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, और इतना सब विकास होने के बाद सड़कें आज देख लीजिए आप, एक शहर से दूसरे शहर जाना कितना आसान हो गया है। तो आज इतना विकास कार्य उनको ये तो दिखता नहीं है, इनको केवल आलोचना आलोचना आलोचना, इनका विपक्ष का मुद्दा केवल यही है, विपक्ष का काम केवल विरोध करना ही हो गया है। विपक्ष का काम यह नहीं रह गया कि जो सही है उसको कहना सही कहे, जो गलत है उसको गलत कहे, इसलिए इनकी बातों पर यकीन ही नहीं करती जनता, तो सही को भी गलत कह
है जो गलत गलत है ही है, इसलिए इनका भरोसा टूट चुका है जनता से। और जनता का भरोसा पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी पे, मोदी जी पे है, और वो विश्वास दिख रहा है। और आपको हम सही बता रहे, इस बार 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी, क्योंकि जिस हिसाब से लोग काम कर रहे हैं, जिस हिसाब से लोग केवल नीचे स्तर पे कोई भी कार्यकर्ता काम पे नहीं लगा है। और ये लोग हमारे यहाँ के जब बूथ के लोग भी जाते हैं तो कहते हैं तो कांग्रेस सफर नजर ही नहीं आती, हर जगह भाजपा ही नजर आती है। हमने कहा भाई हर जगह भाजपा तो क्या करे। तो उसके बाद हम लोग उस दिन गए थे जब ये देने के लिए, तब भी सब लोग सपा और कांग्रेस के नेता ही नजर नहीं आते, वो कहाँ है। हमने कहा वो सब विपक्ष विरोध कर रहे हैं, तो केवल वहाँ पे टीवी विरोध करते हैं, संसद विरोध करते हैं, लेकिन वो जमीन पे नहीं आते हैं। बस यही है, वो जमीन पे आना सीख जाए तो कम से कम जनता पे भरोसा करे, जमीन से ऊपर रहते हैं। इसीलिए इनका ये हाल है और कोई कारण नहीं। हम लोग जमीन के नेता है, जमीन पे रहते हैं, जमीन पे काम करते हैं, इसलिए जो जमीन से जुड़ेगा, जो धरातल से जुड़ेगा, वो आगे ही बढ़ेगा, पीछे नहीं हटेगा। इसमें 80 सीटें आएंगी। ठीक है, आप कह रही हैं 80 सीटें आएंगी, और इसी तरीका का जो दावा है वो इंडिया गठबंधन भी कर रहा है। अखिलेश यादव भी ये कह रहे हैं कि इस बार आप 80 सीटों का दावा कर रहे हैं, वो भी 80 सीटों का दावा कर रहे हैं, लेकिन लेकिन ये दावा आपको दिख रहा है ना, इंडिया का गठबंधन तो आपको दिख ही रहा है ना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो तो सबको नजर आ रहा है, कहने से कोई फायदा नहीं है। लोग जो भी मर्जी करे, लेकिन वो सबको नजर आ रहा है कि इनके गठबंधन में क्या हो रहा है। ये गठबंधन नहीं, गठबंधन है, गठबंधन की बातें करते हैं, गठबंधन की रेंसी है। चलिए, मुझे पता है इस पर तारिक खान जी जरूर जवाब देना चाहेंगे, क्योंकि आपने कहा कि ये गठबंधन नहीं बल्कि ठग बंधन है। उत्तर प्रदेश से ही होकर जाता है, क्योंकि लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें 80 सीटें उत्तर प्रदेश में ही हैं, इसलिए बीजेपी ने पूरा फोकस उत्तर प्रदेश से लगाया हुआ है। और ऐसे में आज चुनावी शंखनाद की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री आज बुलंदशहर में पहुंचे हुए थे, जहां बुलंदशहर को करोड़ों की सौगात आज दी गई है, और इसी को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। कई विशेष अतिथि पैनल में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे पहले मैं जवाब लेना चाहूंगी तारिक खान जी आपसे, जो सवाल यहाँ पर किया था अनिता अग्रवाल जी ने कि आपका जो गठबंधन है वो गठबंधन नहीं बल्कि ठगबंधन है, क्या कहेंगे इस पर? मैं कह रहा हूँ कि मैं खुश हूँ इस बात से कि बीजेपी कह रही है कि हम 80 में 80 सीट जीत गए, ये नहीं कह रही है कि हम 80 में 90 सीट जीत गए। मैं खुश हूँ कि यही कह रहे हैं, क्योंकि ये लोग तो 86 में बताते हैं कि 86 में 56 कैसे हो सकता है। इन्हीं के मुख्यमंत्री ने कहा था कि 86 में 56, अब 86 में 56 कैसे निकलता है मैं नहीं जानता। और जब 80 में 80 सीट जीत रहे तो काला पीला नीला जोन बनाने की क्या जरूरत है? क्या होते हैं ये? क्यों लगातार कहा जाता है कि 20 सिटिंग MP के टिकट बदल देंगे? अरे भाई 80 के 80 सीटें आप तो जीत रहे, क्यों बदल रहे टिकट? उन्हीं को लड़ने दीजिए ना, इतने अच्छा काम किया एमपी ने, पूरी निधि खर्चा कर दी। आपको पता है कितने परसेंट निधि इनके सांसदों ने खर्चा की? इनको तो ये भी नहीं पता होगा कि निधि कितनी होती है, अभी पूछ लीजिएगा। है मैं इस तरीके की बात पूछता नहीं, लेकिन फिर भी शायद जानती हूँ। सुनिए, अरे सुनिए, अगर हमारा सेना पे डॉक्टरों पे उंगली उठाते हैं, अपने ही देश की सेना पे उंगली उठाएंगे, अपने ही देश के डॉक्टरों पे उंगली उठाएंगे, तो देश की जनता आप पे भरोसा करेगी क्या? आप ये तो बताइए, आप अपने अपने से देखिए आप क्या करते हो, आप खुद क्या करते हो? लड़के हैं, गलतियां हो जाती है, देखिए जिन्होंने एक सेकंड अनिता अग्रवाल जी, जिन्होंने ये बयान दिया था वो अब है नहीं, वो स्वर्गीय हो चुके हैं, तो बार बार उस बयान को आप लोग क्यों दोहराते हैं? और कोई बात हो तो करिए, पार्टी तो है, ठीक है ना, पार्टी है। अब ऐसे अब की बात करिए ना मैडम, वर्तमान की बात करिए। अब कब तक उस बात को दोहराते रहेंगे जिन्होंने कहा वो है ही नहीं इस दुनिया में? आप एक ही मुद्दे को लेकर बैठे रहते हैं हमेशा। नहीं, हमने ये नहीं कहा कि आतंकवादी पशु मुकदमे नहीं किए कि इन्होंने गोलियां नहीं चलाई, को बैन करके उनको सपोर्ट नहीं करते क्या? ये क्या जनता देखने नहीं, जनता को पता नहीं है क्या ये क्या करते हैं? जनता को ऐसा मत लगाइए, कोरोना की वैक्सीन मत लगाइए, अखिलेश जी ने रुकाता है तो आज के नेता है
डॉक्टरों में ब्लेम उठाना क्या ये सही काम है क्या? आपके महिला होने का सवाल कर रहा हूं, हमारी सेना पे ब्लेम उठाया, भारत सबूत मांगते हैं, ठीक है ठीक है। अनीता अग्रवाल जी, मैंने सवाल किया था तारिक खान जी से, ठीक है आप अपनी बारी पर बोलिएगा, ठीक है मैम आप अपनी बारी पर बोलिएगा, ठीक है ओके ठीक है मैम। आपने काम किया है तो जनता वोट देगी, अगर सपा ने काम किया था तो सपा को भी जनता ने वोट दिया था, ऐसा नहीं है ना कि जनता किसी के काम को नहीं जानती है, लोकसभा चुनाव है, जनता सबके कामों को जानती है, किसने क्या किया, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सपने दिखा रहा है, किसने हकीकत में जनता का साथ दिया, जनता सब जानती है ना, ठीक है मैम। दूसरों को भी मौका दीजिए बोलने का, ठीक है तारिक खान जी आप कंप्लीट कीजिए अपनी बात, उस समय ठीक है ठीक है ठीक है, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, सुनिए बीजेपी हमेशा एक बात कहती है कि जनता इनको वोट देती आ रही है। मैम क्या बीजेपी कभी विपक्ष में नहीं रही? 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ बनाया, मैम पता है कितनी सीटें जीते थे? 3 सीट, उसके दूसरे चुनाव में 4 सीट, तीसरे चुनाव में 6 सीट, तो उतार चढ़ाव बहुत देखे सभी पार्टियों ने। अब जो एक कविता है अटल बिहारी वाजपेयी की, मैं पढ़ के सुनाता हूँ, याद कर लीजिए और बहुत काम आएगी जीवन में, जो कल थे वो आज नहीं है और जो आज है वो कल न होंगे, होने न होने का क्रम यू ही चलता रहेगा और हम थे हम हैं हम ही रहेंगे, ये भ्रम भी पलता रहेगा। आप इस भ्रम में न रहे कि आप ही हैं, जनता आप ही को चुनती रहेगी, आपको जनता ने लगातार रिजेक्ट किया, आज जनता ठीक है, सरकारें आती है सरकारें जाती है और जनता ये तय करती है कि किसको सिंहासन पर बैठाना है, और ठीक है धैर्य रखिए, ठीक है। राजलक्ष्मी जोशी जी, राजलक्ष्मी जी, लोकसभा चुनावों में 1984 में कांग्रेस के प्रदर्शन को सबसे बड़ी जीत के रूप में देखा जाता है, कुछ वैसा ही माहौल इस बार एनडीए का दिख रहा है, लेकिन कांग्रेस से जिस तरह से हर कोई किनारा कर रहा है उसका क्या कारण आपको लगता है? हाल ही में हुए हिंदी पट्टी के चुनावी नतीजे या फिर क्षेत्रीय पार्टियों को लगता है कि जहां जहां वो मजबूत है आसानी से वो सीट निकाल सकती है, अगर कांग्रेस को सीटें दी तो कहीं सीटें ना खोनी पड़ जाएं? जी इसमें मुझे दो वजह लग रही है कि एक तो ये है कि ये जो रीजनल पार्टीज हैं ये सभी या तो कांग्रेस में से ही आई हुई है या तो उन्होंने कांग्रेस को बाहर निकाल फेंक दिया है, जैसे आप देखेंगे कि तमिलनाडु में होगा, आंध्र प्रदेश में होगा, वेस्ट बंगाल में होगा, ये सभी जगहों में से जहां पर कांग्रेस थी पहले वहां से आज कांग्रेस को निकाल दिया है रीजनल पार्टीज ने, तो वो नहीं चाहते कि कांग्रेस अभी दोबारा जैसे बैकडोर एंट्री से आ जाए वापस ये कोई भी इन राज्यों में। और दूसरी वजह ये है कि उनको नहीं लगता कि ये इसमें सामर्थ्य भी है कि जो उनको लगा है कि हम खुद अगर लड़े तो फिर हम ज्यादा हमारे ज्यादा चांसेस हैं। जैसे अगर आप देखें तो ये जो नए नए पार्टीज हैं, जैसे आम आदमी पार्टी, आप देखिए कि इनको ये पांचों राज्यों में जो नोटा से भी कम जो वोट मिले वो खुद आज कहते हैं कि हम आपसे बड़े पार्टी हैं उत्तर भारत में, और वो आज कह रहे हैं कि पंजाब में और दिल्ली में पूरे के पूरे सीट हम लड़ेंगे। तो ये जो है आप देखेंगे कि वेस्ट बंगाल में भी वही हाल है और यही हो रहा है उत्तर प्रदेश में भी, उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम तो अमेठी से भी लड़ेंगे। तो ये देखिए कि मतलब जो जो कांग्रेस का गढ़ था वो तो उन्होंने खो ही दिया है, और जो रीजनल पार्टीज हैं उनको लगता है कि हम ज्यादा सक्षम हैं तो इनके चक्कर में हम आ जाएंगे तो फिर न इनको सीट मिलेंगे ना हमको। आप देखिए कि पिछले बार उन्होंने 406 या 405 ऐसे कुछ सीटों में उन्होंने ये इन्होंने लड़ी थी इलेक्शन में, और इनमें से इनको मिला 52। तो देखिए कि कितना मतलब उनका स्ट्राइक रेट अगर आप देखते हैं तो बहुत ही कम था, और इस बार ऐसा नहीं है कि इन्होंने बहुत ज्यादा कुछ ऐसा किया है कि पूरी स्थिति में बदल होने वाली है। तो इस बार अगर पिछले बार अगर उन्होंने 400 सीटें लड़ी थी तो मुझे लगता है इस बार वो शायद 300 सीट में थम जाएंगे, और वो 300 सीट में से ये कितने जीत पाएंगे वो अभी देखने वाली बात है।
तो ये जो, और देखिए अभी इन्होंने किया भारत जोड़ो न्याय यात्रा, तो वो जो यात्रा ये कर रहे हैं, इतना जो एफर्ट डाल रहे हैं, जो पैसा कर रहे हैं डाल रहे हैं इसमें, तो इन्होंने कम से कम अपने अलायंस पार्टनर्स के साथ में बैठकर कि कैसे स्ट्रैटेजी करनी है उस हिसाब से करना चाहिए था, तो ये उन्होंने किया नहीं। तो ये देखिए कि ये जो स्ट्रैटेजी है इसमें बहुत कम पड़ रही है, तो ये नहीं पता चल रहा है कि ये खुद को प्रधानमंत्री की तरह प्रोजेक्ट कर रहे हैं या पूरे देश को जोड़ रहे हैं या क्या कर रहे हैं। ये मतलब कांग्रेस की जो रणनीति है वो शायद कांग्रेस खुद ही नहीं समझ पा रही है कि हमारी रणनीति क्या है, क्योंकि देखिए जब नॉर्थ ईस्ट में चुनाव हुए थे उस वक्त राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे, नॉर्थ ईस्ट पूरा हाथ से चला गया। अब लोकसभा चुनाव का समय जो कि इतना महत्वपूर्ण समय होता है और आप गठबंधन में हैं, तो कम से कम अपने साथियों के साथ बैठकर आपको बात करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, मंथन करना चाहिए। सीटों को लेकर समझौता नहीं हुआ है, उसको लेकर चर्चा करनी चाहिए। वहां आप न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को जिस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए था उस तरीके से आगे बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही है, और शायद यही कारण है कि क्षेत्रीय दल भी बहुत तवज्जो इसी वजह से कांग्रेस को नहीं दे रहे हैं। जी बिल्कुल, तो उनको लगता है कि ये इनको ऐसा लग रहा है कि वो हमारे रास्ते में नहीं आए। जैसे ममता बनर्जी कह रही थी कि आपको हम दूसरे राज्यों में हम आपका समर्थन करेंगे, वो किस तरीके का समर्थन है वो समझ में नहीं आया, लेकिन वो कहते हैं हम दूसरे राज्यों में आपका समर्थन करेंगे और हमारे राज्य में आप मत आइए, आप उधर आप लड़िए मत। तो दूसरे राज्यों में समर्थन करेंगे कहाँ, टीएमसी बंगाल के अलावा है कहाँ, ये बता दीजिए प्रदीप जी। अपने राज्य में तो समर्थन करेंगे नहीं, बाकी दूसरे राज्यों में समर्थन करेंगे तो क्या उत्तर प्रदेश में समर्थन करेंगे? निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है और हम आज ये नारों में ही है क्या, बस क्या इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ बढ़ रहा है? आज बिहार में क्या हो रहा है वो भी जरा देख लीजिए। आप बताएंगे कि इंडिया गठबंधन क्या अपनी सीटों की घोषणा कर दी क्या, बताएंगे आप बताइए ना, आपको आपको कितनी सीटें मिली, आपको कहां कितनी सीटें मिली? टीएमसी ने साफ तौर पर मना कर दिया है, पंजाब में साफ तौर पर साफ हो गया है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी अकेले लड़ेगी, आपको सीटें मिल कहां रही है ये तो बता दीजिए। झूठ बोल रहे थे कि हमने 25 करोड़ आबादी को गरीबी रेखा के ऊपर कर दिया, ये सवाल है भारतीय जनता पार्टी से कि आज फिर 80 करोड़ लोगों को सावधान देने की जरूरत क्यों है? इन्होंने कहा था किसान की आय दुगनी कर देंगे, आज 27 किसान की आय क्यों हो गई? 74,000 करोड़ रुपए प्रति किसान का कर्जा क्यों है? सवाल इस बात का है कि आपने 2 करोड़ सालाना रोजगार देने की बात की थी, आज आपने 2.5 करोड़ से ज्यादा आपने रोजगार छीन लिए, इन सवालों पर प्रधानमंत्री जवाब नहीं दे रहे हैं। और मुख्यमंत्री इसी तरह मुख्यमंत्री की जब बात होती है आपको सब मजबूर जलाया था, कहां गायब हो क्या पता नहीं चला। अरे ठीक है, आप ये जो अभी बातें उठा रहे हैं मंच से शेयर करिए ना, यही बातें इन्हीं को उठाइए, अभी तो लोकसभा चुनाव में समय शेष है ना, फिर कब उठाएंगे, फिर कब उठाएंगे सर? जो बातें यहाँ पर कह रहे हैं इनको मंचों से उठाइए, वहाँ तो आप उठा नहीं रहे। ये सवाल का जवाब है किस लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा की जरूरत पड़ती है, जब देश की सरकार किसानों को आतंकवादी कहती है, जो किसानों को देश में करती है, जब वो दिल्ली कूच कर रहा है। आपके समय किसान आत्महत्या कर रहे थे, आपके समय किसानों ने आत्महत्या की थी, आज किसान खुशहाल है, आज किसान खुश है, आज आत्महत्या नहीं कर रहा है, आज किसान आत्महत्या नहीं कर रहा, आपके समय किसान आत्महत्या कर रहे थे, आपको अच्छे से मालूम होगा। जवाब किसानों की आय पहले बड़ी रकम नहीं हुई है, उत्तर प्रदेश है जहाँ पर खड़े होकर उन्होंने कहा था किसानों की आय आप दुगनी कर देंगे, उन्होंने झूठ बोला कि नहीं बोला, बुलेट ट्रेन लाने की बात की थी झूठ बोला कि नहीं बोला, ये सवाल है। और आप 2014 की बात, लेकिन आप अपनी तरफ भी तो देख लीजिए ना प्रदीप जी, कहाँ थे, कहाँ से कहाँ आ गए, लोकसभा की कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में आपकी, ये भी तो देख लीजिए, मात्र एक सीट, सिर्फ एक सीट, देश की इतनी बड़ी पार्टी, देश की इतनी बड़ी पार्टी 1984 में जिस कांग्रेस की लहर थी वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। अनिता अग्रवाल जी,
देखिए इनके समय में किसान आत्महत्या कर रहे थे, इनके समय में किसानों का क्या हाल था। इन्हीं क्या क्या मुख्यमंत्री ये कहते थे कि जो दिल्ली की मुख्यमंत्री थी कि बिहार और यूपी के लोग आकर हमारे प्रदेश गंदा करते हैं, तो आज वो आज इनको यूपी में इसीलिए एक सीट है क्योंकि ये लोग बंटवारा करते रहते हैं, आपस में बांटो प्रदेशों में बंटवारा कर देते हैं। तो आप भारत है, भारत की बात करिए। अरे आप ये बताइए कि आपके मुख्यमंत्री कहाँ मौका दीजिए। तारिक खान जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा उनको सुन लेते हैं। तारिक जी ठीक है तो सर मंच से उठाइए ना, मंच से उठाइए। आप लोगों का क्या कार्य है, आपका भी तो ये कार्य है ना कि आप भी मंचों से उठाएं उस बात को। ठीक है तारिक जी, प्रधानमंत्री जी आप बोल कर गए हैं तो ये सवाल उठना चाहिए और आप एक सम्राट चैनल है, आपके चैनल पर ये सवाल खड़ा होना चाहिए, नहीं खड़ा होना। नहीं आप ये बताइए ना, ये मंचों से अगर प्रधानमंत्री कुछ कह रहे हैं या बीजेपी कोई आरोप लगा रही है विपक्ष के ऊपर, तो वो आप लोगों का काम है ना। आप भी उठाइए, आप भी मुद्दे उठाइए ना, आप क्यों नहीं उठा रहे हैं सर? आपको किसने मना किया है, आपको किसी ने रोका है? मंचों पर क्या आपका माइक ऑफ कर दिया जाता है? वहाँ आपका माइक ऑन रहेगा, वहाँ जाकर आप बोल सकते हैं। ठीक है तारिक जी, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि इन मुद्दों को जनता के बीच में जाकर उनको समझाना है कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या वाकई में, मैं तो कहता हूं कि किसानों की आय क्या 15-15 क्या 50-50 लाख लोगों के अकाउंट में आ गए, लोग अपना अकाउंट ही नहीं चेक कर रहे हैं, बात यह है, लेकिन आ गए हैं, सच में जाके चेक करें। और जो समाजवादी पार्टी का स्टैंड है, अभी 5-6 दिन पहले अखिलेश जी एक इंटरव्यू में गए थे, उनसे पूछा गया था कि क्या रायबरेली और अमेठी आप लड़ाएंगे, तो उन्होंने कहा था कि नेताजी के टाइम से जो प्रथा चलती आ रही है कि हम वहां नहीं लड़ते हैं उसको कंटिन्यू रखा जाएगा। तो एक तरीके से ये समाजवादी का अधिकृत स्टैंड हो गया कि अमेठी और रायबरेली हम लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। अखिलेश जी ने कहा कि हम उसको कंटिन्यू रखेंगे जो प्रथा नेताजी के समय से आई, अभी 5 दिन पहले का इंटरव्यू है। खैर मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी बात एकदम सही है, हमें जनता के बीच में जाना होगा, उन्हीं को इन सारे मुद्दों को समझाना होगा, उन्हीं को समझाना होगा कि आपकी आय दुगनी हो गई या 5 गुना हो गई, और उन्हीं को समझाना होगा कि आपकी हम जातिगत जनगणना कराएंगे तभी सामाजिक न्याय का रास्ता खुलेगा। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाना ही एक रास्ता है। जनता जज है, मालिक है, उसका जजमेंट जो रहता है वही अंतिम एवं सर्वमान्य है। हमको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जनता देती है वो पाए एक सेकंड कंप्लीट करने दीजिए अनिता अग्रवाल जी, नहीं ये गलत बात है, कंप्लीट करने दीजिए। कोई भी बोलता है आप बीच में, जब जब आप बोलती हैं धैर्य से सब आपको सुनते हैं, लेकिन जब बाकी लोग बोलते हैं तो आप बीच में आ जाती हैं बोलने के लिए, गलत बात है, उनको कंप्लीट करने दीजिए। अरे जाति जनगणना की बात हो रही है, मतलब जात पात, ठीक है ना, ठीक है मैम, उनको बात तो कंप्लीट करने दीजिए ना अपनी। अच्छा जातिगत जनगणना पे भी बीजेपी के जो स्टैंड है वो मल्टी डायमेंशनल है। अमित शाह एक स्टेट में जाते हैं कहते हैं हम जातिगत जनगणना कराएंगे, पार्लियामेंट में बीजेपी जवाब देती है कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे, जातिगत जनगणना का अधिकार केंद्र सरकार के पास है, राज्य सरकार जातिगत सर्वे करा सकती है। जो बिहार में हुआ दैट वॉज अ सर्वे, जनगणना नहीं थी क्योंकि सेंसस केंद्र सरकार कराता है। इससे जो भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है वो कई जगह विभाजित है। मुझे ये मैं ये अपील करता हूँ इनसे नहीं, भाजपा के शीर्ष नेताओं से, कि वो अपना स्टैंड क्लियर करें कि आप जातिगत जनगणना कराएंगे या नहीं कराएंगे। हम मांग करते हैं आप पे, आपका ओपीएस पे क्या स्टैंड है,
हम कह रहे हैं हम ओपीएस को ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करेंगे। हमने ये भी कहा कि हमारी सरकार आएगी किसानों के कर्जे लार्ज स्केल पे माफ करेंगे। हम सीधे सीधे जो अग्निवीर योजना है उसको समाप्त करेंगे इन एजेंडों को लेकर। ठीक है, लेकिन लेकिन आप जिन एजेंडों को लेकर यहाँ तारिक खान जी बात कर रहे हैं उन एजेंडों को लेकर ये बता दीजिए कि जनता के बीच आप कब जाएंगे, क्योंकि इस बार प्रदेश में जो माहौल है मोदी ने रैली करके उसे राजनीतिक लाभ में बदलना शुरू कर दिया है, जबकि आपके नेता अभी तक सोशल मीडिया पर ही ज्यादा सीमित नजर आ रहे हैं। लोगों के बीच कब जाएंगे? हमारी बाराबंकी में बड़ी जनसभा हुई, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने संबोधित किया, बहुत लोग थे। हम भी कांग्रेस के नेता रैली कर रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। हम रोज भारत जोड़ो यात्रा कहाँ कर रहे हैं सर? वो तो न्याय यात्रा कर रहे हैं और उनको खुद ही न्याय नहीं मिल रहा है। अब मैम देखिए, यात्राओं के देश में जहाँ गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी तब आपको आजादी प्राप्त हुई थी, वहाँ यात्राओं पे सवाल नहीं उठना चाहिए। लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा न की होती तो आज सत्ता में ना आते ये लोग। वो लोग यात्रा पे सवाल कर रहे हैं। ये देश यात्राओं की जर्नी से भरा हुआ है, यात्राओं का सम्मान करना सीखे। आडवाणी जी ने अगर न की होती यात्रा तो सत्ता को तरस जाते, देख न पाते सत्ता। ये आज ये यात्रा तो आप भी सम्मान करिए ना सर, आप गठबंधन के साथी हैं, आप भी सम्मान कीजिए। देखिए राहुल गांधी कितने किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, कम से कम थोड़ा सा ध्यान आपको भी रखना चाहिए। जल्दी से जल्दी जो सीटों का पेच फंसा हुआ है उत्तर प्रदेश में उसको सुलझा दीजिए, इतना तो आपको भी सहयोग करना चाहिए। हमारी तरफ से कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर जावेद अली खान साहब हैं। अभी जो रिसेंट में मीटिंग हुई उसमें कई वरिष्ठ नेता थे, जिसमें उदयवीर सिंह साहब थे हमारे जो कि प्रवक्ता भी हैं, और कई सीनियर रामगोपाल साहब थे, जावेद अली खान साहब थे और लालजी वर्मा थे विधायक। इन सब से बात हुई है। ऑलमोस्ट जो सीटों का गठजोड़ है वो हमने बहुत ही पहले, 19 से पहले अजीत सिंह जी की पार्टी के साथ तय किया। अब बहुत ही जल्दी हम कांग्रेस के साथ भी उसके ताने बाने के साथ जनता के बीच में चले जाएंगे कि ये आपकी सीटें हैं, ये हमारी सीटें हैं। रामगोपाल साहब ने बहुत अच्छी बात कही थी कि आधा रास्ता तय है, आधा रास्ता बचा है। गठबंधन का सीटों का रास्ता ऑलमोस्ट तय है, चुनाव लड़ने का रास्ता बचा हुआ है। बड़ी लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी के सामने, इंडिया गठबंधन को मिलके जनता के बीच में मुद्दों को ले जाने का वक्त है। हम लेके जाएंगे, जनता जनार्दन है, मालिक है। वो जज जो फैसला करेगा उसको सराखों पे रखना ही लोकतंत्र का सम्मान करना। बिल्कुल, ये होना भी चाहिए। राजलक्ष्मी जोशी जी, लेकिन जिस तरीके से गठबंधन में जो गांठ है वो ढीली हो रही है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम लहर को वोट में बदलने का अभियान अब शुरू कर चुके हैं, किस तरीके से देख रही हैं आप इस पूरी चुनावी लड़ाई को? जी देखिए, ये जो अभी जो प्राण प्रतिष्ठा की जो इतनी सुंदर घटना जो हुई, ये एक अच्छा अवसर था पूरे देश को एकत्रित होके एक अच्छे अवसर को मनाने का, एक त्योहार बना के, मतलब त्योहार जैसे मना सकते थे। लेकिन इसमें भी जो हुए, जो बीजेपी का वैक्सीन बोलने वाले आज बीजेपी का इवेंट बना दिया उसको, तो ये ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी। तो इससे क्या हो गया है कि देखिए ये कितना बड़ा एक इमोशनल या क्या, मतलब ये कितने इमोशनल इश्यूज हैं लोगों के मन में या इनके क्या भावनाएं हैं, ये शायद कांग्रेस और अन्य पार्टियां ये समझ नहीं पाई हैं। तो ये इसका बहुत बड़ा धक्का पड़ने वाला है उनको। तो ये जो है ये इनको भी पता है, और इसीलिए ये हर जगह पे ये भी कोशिश कर रहे हैं कि वो कोई और मंदिर में जाए, या तो फिर उन्होंने पूरी तरीके से उसको नकार देना चाहिए था कि हम धर्म वगैरह को देखने वाले ही नहीं है। तो वो एक कम से कम वो एक अलग स्टेटमेंट होता, उनका एक अलग स्टैंड होता। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि हम राम मंदिर वहां पे नहीं जाएंगे, उसको बीजेपी का इवेंट बता दिया। अगर ये सभी ऑपोजिशन पार्टियां भी जाती वहां पर तो वो बीजेपी का इवेंट तो रहता नहीं, वो पूरे भारत का इवेंट हो जाता। वो तो वैसा उन्होंने किया नहीं, इन्होंने बनाया इसको बीजेपी का इवेंट, और इसका फायदा मिलेगा भाजपा को, क्योंकि देखिए अभी इतने वर्षों से ये सभी पूछते हैं। बिल्कुल सही आपने कहा कि इसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को जरूर लोकसभा चुनाव में मिल सकता है, क्योंकि कल तक जो लोग, जो जनता दोहरा रही थी, बार बार कह रही थी कि राम आएंगे, राम आएंगे,
अब वो लोग कह रहे हैं मोदी आएंगे और इस बार पक्का जरूर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लोकतंत्र में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, नमस्कार।